कैन सी मतलब कोई लेयर नहीं दिख रही है, इट्स लाइक माई स्किन, यू नो देयर इज नथिंग ऑन माई स्किन जो कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आर्टिफिशियल हो या कोई ऐसे सिट कर रहा है मेरी स्किन के ऊपर. माई स्किन इज लुकिंग प्रिटी फ्रेश, प्रिटी नेचुरल. यू कैन सी सी ग्लो कर रहा है, कोई हाईलाइटर हमने यूज नहीं किया है. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आई होप आज की वीडियो में लाइटिंग परफेक्ट है. आई होप आप लोग मेरी रियल स्किन देख पा रहे हो, बिकॉज लास्ट वीडियो में देर आर सच गुड कॉमेंट्स. बट आई नो आई अग्री विद यू गाइज कि मेरी जो लाइटिंग का एक्सपोजर था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, एंड एडिटिंग के टाइम भी दो तीन बार मैंने यू नो रियलाइज किया, एंड उसके बाद थोड़ा सा यू नो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या कम करूँ, क्या बढ़ाऊँ. तो बस मैंने फिर लाइट्स थोड़ा कम करके देखा. आज मतलब एक घंटा तो मुझे इसी चीज में लगा. मैंने इतनी बार कैमरा ऑफ किया, कैमरा ऑन किया, आपको क्लीनली आपको अच्छे से मेरी स्किन दिख सके, मेरी स्किन का रियल टेक्सचर दिख सके, आप लोगों को मेरे पिंपल्स देखने. अभी लाइट अच्छी है. अगर आप लोगों को अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन करके बता देना. एनीवेज, आज की वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं कलर पॉप के प्रोडक्ट्स. कलर पॉप फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है एंड नायका के ऊपर अवेलेबल है. सो आई हैव देयर नो फिल्टर सेटिंग मिस्ट, ठीक है, नो फिल्टर प्राइमर. ओके, आई हैव देयर प्रिटी फ्रेश कलर पॉप का ये हाइलुरोनिक एसिड टिंटेड मॉइस्चराइजर, दिस हाइलुरोनिक एसिड वाला कंसीलर, क्रीमी कंसीलर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई हैव देयर फेदर इफेक्ट स्टाइलिंग वैक्स फॉर माय आईब्राउज, जेल लाइनर, क्रीम जेल लाइनर है मेरे पास, लिपी पेंसिल, यू कैन सी, ठीक, एंड आई हैव दिस टिंटेड ग्लॉसी स्टेन, फ्रेश किस ग्लॉसी लिप स्टेन, एंड देयर शॉक आई शेडो, वॉट इज नेम, सुपर शॉक शेडो, क्या कलर पॉप का, ठीक है. सो ये मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं कलर पॉप के जो मैंने परचेज किए हैं वो मैं आप लोग ट्राई करने वाले हैं फॉर द वेरी 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 फर्स्ट. जब देखा नायका के ऊपर कलर पॉप के प्रोडक्ट्स, आई वॉज लाइक ओ ओ वाओ, मतलब मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हो गई, बिकॉज कोई ऐसी हाइप वगैरह नहीं थी कलर पॉप की जैसे कि अनदर ब्रांड्स की थी. सो इट्स लाइक अ मिडल रेंज ब्रांड इन इंडिया, लाइक जस्ट लाइक एल्फ, जैसे एल्फ के प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे प्राइस हुए हुए हैं एल्फ के प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक एल्फ कलर पॉप के प्रोडक्ट्स भी उतने ही प्राइस में आपको मिल रहे हैं. लाइक बहुत महंगे नहीं हैं, बहुत सस्ते नहीं हैं. चलो सबसे पहले तो मैं लिप्स को थोड़ा हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करूँ, बिकॉज राइट नाउ यू कैन सी मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं. मैं बॉबी ब्राउन का यहाँ पे क्रश्ड ऑयल इन्फ्यूज लगा रही हूँ, दिस इज माई फेवरेट ऑयल इन्फ्यूज ग्लॉस है ना, तो ये लिप्स को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देते हैं. एनीवेज, दिस इज इन द शेड फोर्स ऑफ नेचर, जो मैंने ये लिप्स के ऊपर लगाया ना, बॉबी ब्राउन वाला. तो जी स्टार्ट करते हैं मेकअप को. सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम प्राइमर. दिस इज कलर पॉप नो फिल्टर प्राइमर, नो फिल्टर प्राइमर, नो फिल्टर नीडेड. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यू कैन सी ऑयल फ्री, सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, 1199 MRP इसकी जो है 1199, ऑलमोस्ट 1200 रुपीज. जो मेरा फेवरेट है एल्फ का प्राइमर, वो जो चिपक जाता है स्किन के साथ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो वाला भी 1200 रुपीज़ का हो गया. पहले वो 8 या 900 का था, अभी ज़्यादा हो गया महंगा. चलो स्किन को मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम प्राइमर को अप्लाई करते हैं. सो इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ ट्यूब. इसमें ना जैसे बॉबी ब्राउन से फ्रेग्रेंस आती है ना, बॉबी ब्राउन के विटामिन इनरिच्ड मॉइस्चराइजर जो फेस बेस है, बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस आ रही है इससे, सिट्रसी सी फ्रेग्रेंस है. कुछ भी ऐसा सिलिकॉन टाइप फील नहीं हो रहा मुझे. ओके, लाइट वेट स्किन परफेक्टिंग प्राइमर दैट क्रिएट्स अ स्मूथ एंड इवन कैनवस फॉर फ्लॉलेस मेकअप दैट लास्ट ऑल डे. अप्लाई इवनली ओवर क्लीन मॉइस्चराइज स्किन, अलाउ टू सेट एंड फॉलो विद योर फेवरेट फाउंडेशन. ओके हाँ, ओके. सो नाउ आफ्टर अप्लाइंग दिस प्राइमर माई स्किन फील सो सॉफ्ट. यहाँ पे
ओके आई लाइक दिस प्राइमर बिकॉज ये ना बहुत सिलिकॉन ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जब आप समटाइम्स सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स को अप्लाई करते हो ना, तो जब उनको थोड़ा सा मसाज करते हो तो रब ऑफ होने शुरू हो जाते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं. इनफैक्ट दिस फील सो सॉफ्ट एंड स्मूद. ओके लिटिल बिट मोर, एंड इसने मेरी स्किन को मैट नहीं किया है. एज यू कैन सी यहाँ पे जो शाइन थी वो अभी भी है. फिल्टर प्राइमर, जस्ट रिटन नो फिल्टर प्राइमर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि मैटिफाई करता है, ग्लो देता है, ड्यूई है, बिल्कुल ऐसा मॉइस्चराइजर के जैसा ही लगता है. यू कैन सी इसका जो टेक्सचर भी आप देख सकते हो. या दिस स्मेल्स सेम एग्जैक्टली. या ये बिल्कुल ऐसे फील नहीं हो रहा मैटिफाइंग या फिर यू नो ड्यूई, कुछ भी ऐसा नहीं है. इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल प्राइमर, मुझे बहुत पसंद आया यार ये फर्स्ट टाइम में ही. बहुत स्मूथ फील हो रहा है, यू नो. या परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ओके सो उसके बाद हम ट्राई करेंगे इनका कलरपॉप प्रीटी फ्रेश वीगन डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड आइडियल फॉर ऑल स्किन टाइप्स हाइलुरोनिक एसिड टिंटेड मॉइस्चराइजर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें शेड लिया है मीडियम 11N. आई जस्ट लव द होल एस्थेटिक एंड द वाइब ऑफ दिस यू नो ट्यूब और प्रोडक्ट्स, यू नो वेरी मिनिमल वेरी बेज एंड अच्छा दिस कम्स इन दिस ट्यूब एंड यू कैन सी दिस हैज पंप विच इज वेरी माई फेवरेट थिंग. आई होप shade matches to my skin tone. I don't know. See, this is how it looks like. Okay, tinted moisturizer से हमें हमेशा कवरेज की तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, बट ऐसा लगता है कि बस वो स्किन में समा जाए जैसे मॉइस्चराइजर्स होते हैं. I'm gonna apply this. ओके आई एम यूजिंग दिस मिलाग्रो ब्यूटी का ब्रश, दिस इज एंगल्ड फेस ब्रश. You know, it's pure moisturizer, hyaluronic acid moisturizer with a little bit pinch of coverage. So, you know, even if you massage this tinted moisturizer with your fingers now, this feels like you are applying moisturizer. Like this is best for daily basis. If your office going, if you're working, if you love tinted moisturizer on your daily basis, so you can try. And this has hyaluronic acid. If you have dry skin, I think hyaluronic acid in general suits every skin type. You can see this has barely any coverage. You can coverage, but this is beautiful tinted moisturizer, you know, which will not cover any blemish or acne marks or anything, you know. ये cover नहीं करेगा, of course. It's not, not gonna cover anything, but your skin looks so beautiful. You can see. This looks so good. Nice. You know, even on my hands, you can see. ऐसे जब मैं इसको मसाज कर रही हूँ ना तो एकदम मेल्ट हुआ जा रहा है मेरी स्किन में, अब्सॉर्ब हो जाता है एक सेकंड में. दिस लुक्स गुड. एनीवेज आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, बट दिस लुक्स गुड. सी आई मीन अगर आपकी स्किन अच्छी लगती है, ऐसे हाइड्रेट फील हो रहा है मुझे, इवन देयर इज नथिंग लाइक थोड़ा सा से इवन टोन्ड हो गई है मेरी स्किन, फेस मेरा इवन टोन्ड दिख रहा है, बट
This is looking so natural, you know. But अभी तो सर्दी है. What about summers? What about monsoon weather? I will give it some time so that थोड़ा settle down होने के शायद थोड़ा settle down होने के बाद शायद थोड़ा मुझे कुछ difference दिखे इसमें. Because जब मैंने primer भी लगाया था ना तो after few seconds within few seconds वो थोड़ा settle down हो गया था. Okay, now let's move on to next product which is this ColourPop Pretty Fresh Dermatologist Tested Ideal for All Skin Types Hyaluronic Creamy Concealer. This is how it looks like in the shade medium 100W. मैंने बस shades ना तुक्के से ही मंगवा लिए थे like because मेरा जो जो मेरा complexion है वो natural sorry neutral and warm के between में आता है, you know, warm tone, cool tone होती है, warm tone होती है और neutral tone होता है ना, तो मेरा neutral and warm के in between में था. Much better. अच्छा real में ना actual में like camera के ऊपर तो मैं देख रही हूँ थोड़ा सा face मेरा white लग रहा है, but naturally इन रियल लाइक मिरर में दिस इज लुकिंग सो गुड. ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस क्रीमी कंसीलर इन द शेड मीडियम 100W. ओह नाइस, दिस हैज दिस फ्लैट लिप ग्लॉस टाइप वॉन्ड. लेट्स अप्लाई द कंसीलर. Oh, by the way, guys, Happy New Year! आज 1st of January है. मैं आज इस वीडियो को शूट कर रही हूँ तो या Happy New Year, guys! Happy New Year! I'm gonna use this same brush. Okay, इसमें भी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है कंसीलर में भी. जो भी कहो मेरी स्किन बहुत फ्रेश लग रही है, यू नो, जैसे इसका नाम है ना प्रिटी फ्रेश. सो या माय स्किन इज लुकिंग सो फ्रेश. दिस टिंटेड मॉइस्चराइजर एंड द कंसीलर, आई लव दिस. ओके, आई एम गोना यूज दिस फ्रेश किस ग्लॉसी लिप स्टेन फॉर माय ब्लश एज वेल. इस ग्लॉसी स्टेन को ना मैंने यूज किया था एक बार ऑफ कैमरा, क्योंकि लिपस्टिक या फिर लिप ग्लॉसेस होते हैं वो मैं ऑफ कैमरा ट्रैक कर लेती हूँ. फ्रेश किस ग्लॉसी लिप स्टेन इन द शेड टूटी फ्रूटी ग्लॉसी लिप स्टेन. या सो वैसे तो ये एक लिप स्टेन है बट चीक स्टेन भी हो सकता है. ये लिप एंड चीक टिंट्स यूज करते हैं, ब्लेंड कर लेंगे. You know, मैं क्या करती हूँ जब भी जब ब्लश वगैरह अप्लाई करती हूँ, लिक्विड ब्लशेस मोस्टली जब मैं अप्लाई करती हूँ, तो मैं ना फिर से जैसे कंसीलर लिया एक बार, जब मैंने ऐसे स्टेन को या ब्लश को सॉरी लिक्विड ब्लश को जब मैंने ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया ना, ठीक है, इस तरह से आई अंडर आइज के पास भी जब मैंने अप्लाई कर लेती हूँ ना, फिर मैं अपना कंसीलर लेती हूँ एंड फिर हल्का सा यहाँ पे एंड यहाँ पे. इसके साथ ना मेरा जो ब्लश है ना वो बहुत नेचुरल दिखना शुरू हो जाता है. यू नो समटाइम्स यू सी दोज ट्रेंड्स गोइंग ऑन योर फीड, मेकअप ट्रेंड्स, तो उसमें से ये वाला मेकअप ट्रेंड जो था या फिर ये ट्रिक जो है, दिस इज सच अ यूजफुल ट्रिक. यू नो अगर आप लिक्विड ब्लश या फिर लिक्विड क्रीमी ब्लशेस वगैरह यूज करते हो या स्टेन्स वगैरह यूज करते हो, तो एक बार कंसीलर कर लिया लगा लिया, उसके बाद लिक्विड ब्लश लगा लिया एंड फिर से दोबारा एक बार आपने कंसीलर लगाया एंड आपका ब्लश जो है ना बहुत सुंदर. दिस लुक सो गुड.
रहे हूँ, सभी प्रोडक्ट्स और मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। मतलब मैं कुछ भी लगा रही हूँ ना, मेरी स्किन के ऊपर ये इतने ब्यूटीफुली सेटल्ड हो रहे हैं और यू नो सुंदर दिख रहे हैं, बस सुंदर दिख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब मेकअप, ऐसे लग रहा है जैसे मैं नो मेकअप मेकअप लुक कर रही हूँ। ठीक है, वैसे हम कर नहीं रहे हैं नो मेकअप मेकअप लुक। ओके, सो कंसीलर बहुत ज़्यादा क्रीज तो नहीं किया है, बट हल्का फुल्का जो मेरी फाइन लाइंस है ना उन उसमें हल्का फुल्का सा सेटल डाउन हुआ है, विच इज़ सो नॉर्मल। सो मैं उसको थोड़ा सा यू नो स्मूथ करके, नाउ आई एम गोना यूज दिस मामाअर्थ का लूज पाउडर एंड ट्रांसलूसेंट वाला, इसको मैं लेके हल्का सा सिर्फ मैं सिर्फ अंडर आइज को सेट कर लूंगी। दैट्स इट, और कहीं पे भी मुझे ऐसे जरूरत नहीं लग रही है कि मैं पूरे फेस को सेट करूं, पाउडर की जरूरत नहीं लग रही है। आई यूज किया मैंने ग्लो मैटिफाइंग लूज पाउडर विटामिन सी के साथ मामाअर्थ का। ओके, मैं अपना थोड़ा पाउडर ब्लश लगाऊंगी बिकॉज चीक स्टेन तो है, वो अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा इसको बिल्डअप करूंगी। आई एम गोना यूज दिस हुडा ब्यूटी का बेरी जूसी शेड में, चीकी वीगन ब्लश पाउडर बेरी जूसी शेड में। ब्रॉन्जर यूज करूंगी शार्लेट टिल्बरी का। ओके, नाउ लेट्स डू द आईज एंड माई ब्राउज, एंड फॉर ब्राउज आई हैव दिस कलर पॉप फेदर इफेक्ट स्टाइलिंग वैक्स, यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यू ऑल्सो गेट दिस ह्यूज मिरर। ओके, मैंने इसको स्पूली पे ले लिया है, नाउ लेट्स ट्राई दिस। नाउ स्टाइल हो गए हैं, बट आई नीड टू फिल माई ब्राउज, दिस इज लुकिंग सो वियर्ड। मैं गैप्स जो है ना उनको फिल कर लूंगी लॉरियल की मेरी जीनियस किट लेके आईब्राउज वाली। फिल कर लिया मैंने ब्राउज को एंड क्लियरली यू कैन सी ना काफी अच्छे से सेटल्ड हो गए हैं। यू कैन सी जैसे मॉडल्स की बुशी ब्राउज होते हैं ना, एक ऊपर की तरफ ऐसे सेटल्ड होते हैं, जमे होते हैं अपनी जगह पे। सो बिल्कुल वैसे ही है, ऑफ कोर्स बिकॉज ये वैक्स है। एंड या नाउ लेट्स मूव ऑन। आप लोग बताओ कैसे लग रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कुछ अजीब सा ही लगी जगह। ओके जी, चलो नेक्स्ट है हमारे पास पॉप सुपर शॉक शैडो अल्ट्रा ग्लिटर इन द शेड बे। फॉर रुपीज 749 गोना यूज दिस काइंड ऑफ फ्लैट ब्रश। या दिस इज सो स्मूथ, इनका टेक्सचर बहुत ज्यादा स्मूथ है। लेट मी यूज माई फिंगर। ओ दिस इज सो सॉफ्ट। Easy to use with fingers but not with long nails. I'm gonna blend my edges. ओके, फॉर वाटर लाइन मैंने काजल के लिए क्रीम जेल लाइनर लिया है वाटर प्रूफ 18 आर वेयर, बट मैंने शेड ले लिया व्हाइट। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मैंने रैंडमली पिक कर लिया। एग्जिट शेड है ये, इजी है, यू कैन सी ये। दिस इज क्रीमी।
Okay, so I'm gonna pick this Super Shock Shadow, ठीक है? And हम इसको apply करेंगे lower lash line के पास. See, wow. Now it's looking much better, you know, जो white काजल मैंने लगाया ना, वो अभी बहुत ज़्यादा better दिख रहा है. Okay, so जो glitter है ना, वो fall नहीं हो रहा, you can see. यू नो जो ग्लिटर है इसमें आई शेडो में वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है और स्टिक ऑन टाइप ग्लिटर है एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल वेट सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. आई जस्ट लव दिस आई शेडो. वन एंड डन काइंड ऑफ आई शेडो दिस इज. ओके, सो आई डोंट हैव एनी मस्कारा फ्रॉम कलर पॉप, सो आई एम गोना यूज दिस नार्स का क्लाइमैक्स मस्कारा. यू कैन सी lips. I have this lip liner, lip pencil, lippy pencil, ColourPop lippy pencil in the shade short clock. Okay, so ye ek, yeah, you need a sharpener with this lip liner. लास्टली मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा किसी चीज को स्प्रे करने का बिकॉज बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है. लास्टली हम स्प्रे करेंगे इस प्रोडक्ट को. यू कैन सी वाओ. सो दिस इज नो फिल्टर सेटिंग मिस्ट. बस दैट्स इट, नो फिल्टर सेटिंग मिस्ट. एंड दिस रिटेल्स फॉर आई थिंक 1299 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1199 या 110 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी है इसमें एंड 1199. जैसी फ्रेग्रेंस है इसमें, लेमनी सी. जैसे मैंने बोला ना आपको कि जो प्राइमर की जो फ्रेग्रेंस थी ना, बिल्कुल सेम फ्रेग्रेंस इसमें भी है. दिस हैज फ्रेग्रेंस बट वेरी फ्रेश फ्रेग्रेंस. दिस इज माई फाइनल लुक. यू कैन सी मुझे तो ये लुक बहुत पसंद आ रहा है. लाइक इनफैक्ट मुझे ये मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. लाइक अगर ये कैमरा के ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है, नेचुरल लग रहा है, आई मीन नॉट आईज बट माई स्किन इज लुकिंग सो फ्रेश, प्रिटी फ्रेश. यू कैन सी मतलब कोई लेयर नहीं दिख रही है. इट्स लाइक माई स्किन, यू नो देयर इज नथिंग ऑन माई स्किन जो कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आर्टिफिशियल हो या कोई ऐसे सिट कर रहा है मेरी स्किन के ऊपर. माई स्किन इज लुकिंग प्रिटी फ्रेश, प्रिटी नेचुरल. यू कैन सी सी ग्लो कर रहा है. कोई हाईलाइटर हमने यूज नहीं किया है एंड रेडियंट सा ग्लो है मेरी स्किन के ऊपर. यू कैन सी एंड यहाँ मुझे तो ये मेकअप लुक ऑल ओवर, जो ये लुक है ऑल ओवर सभी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में ब्रीफली हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. बट मुझे ये लुक पसंद बहुत ज़्यादा आ रहा है. और दिस नो फिल्टर प्राइमर, आई लव 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 दिस प्राइमर. यू कैन सी मेरे बेस जो है कितना सॉफ्ट स्मूथ लग रहा है. मेरे को ना तो बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग, इसने मेरी स्किन को बहुत स्मूथ भी कर दिया एंड उसी के साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैटिफाइंग मेरी स्किन नहीं दिख रही है. उस वजह से मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट. यू नो यहाँ पे ऑफकोर्स बहुत लार्ज अगर आपके पोर्स होंगे ना आपके स्किन के ऊपर तो ये उनको फिल नहीं करने वाला है. ये आपके फेस के ओवरऑल टेक्सचर को बहुत बहुत स्मूथ बना देता है, आपके टेक्सचर को बहुत स्मूथ कर देता है, इवन आउट कर देता है. सो इवन कर देता है आपके टेक्सचर को. बट अगर आपके बहुत ज्यादा लार्ज पोर्स है ना उनको ये फिल नहीं करने वाला है. ठीक है, तो पोर्स इतने ही है जितने मेरी स्किन के ऊपर है डेफिनेटली, तब तो ये ठीक लगेगा. प्राइमर काफी पसंद आया. उसके बाद अगर बात करें इस प्रिटी
फ्रेश टिंटेड मॉइस्चराइजर के बारे में, आई जस्ट लव दिस. यू नो यू कैन सी एकदम स्किन मेरी ग्लो अभी तक जो कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने कोई हाईलाइटर कुछ भी नहीं अप्लाई किया था. दिस ब्लेंड्स आउट सो वेल एंड एक मॉइस्चराइजर है ये, ठीक है, विद हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को प्लम्प एंड ड्यूई बनाता है. एंड उसी के साथ यहाँ कवरेज इसकी बहुत शीयर कवरेज है, मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट. कंसीलर की कंसीलर ऑल्सो इज सो हाइड्रेटिंग, बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है एंड कवरेज इज प्रिटी डिसेंट, यू नो मीडियम काइंड ऑफ कवरेज आपको इस कंसीलर के साथ मिलती है. कंसीलर यस दिस हैज क्रीमी कंसिस्टेंसी जो कि बहुत स्मूथली ब्लेंड आउट होगी. यू कैन सी यहाँ पे कट किया था मैंने, यहाँ पे दोबारा से रीअप्लाई किया था कंसीलर को. सो कंसीलर बिल्कुल क्रीज नहीं किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. मैंने लूज वाटर के साथ सेट किया हल्का फुल्का अंडर आइज के पास. या स्किन बहुत स्मूथ लग रही है, बहुत स्मूथ लग रही है यहाँ पे भी. लाइक मैं स्ट्रेच करके देख रही हूँ कंसीलर को, टच करके देख रही हूँ. या देयर इज नथिंग ऑन माय फिंगर, यू कैन सी. ओके इनिशियली मुझे ऐसे टिंटेड मॉइस्चराइजर लगा के ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये यू नो बहुत ही ज़्यादा यू नो टैकी सा फील ना हो या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर जैसे मुझे इनिशियली लग रहा था. बट राइट नाउ यू कैन सी अभी पूरा बेस मेकअप करने के बाद स्किन बहुत सुंदर लग रही है, नेचुरल दिख रहा है. एंड लाइक आई सेड जब भी आप पाउडर के साथ नहीं सेट करते हो ना तो आपका बेस मेकअप बिल्कुल नेचुरल दिखता है. आई ऑल्सो लाइक दिस टिंट फ्रेश किस ग्लॉसी लिप स्टेन. ये ना मैंने लिप्स के ऊपर भी ऑफ कैमरा अप्लाई करके देखा था, काफी लंबे समय तक इसका स्टेन रहता है. चीक्स के ऊपर भी काफी सुंदर तरीके से ये ब्लेंड भी हो गया और काफी अच्छा भी दिख रहा था, ठीक है. उसके बाद है हमारे पास ये ब्राउ वैक्स. या डेफिनेटली ब्राउ वैक्स के साथ आपके आईब्रोज जो है वो काफी ज्यादा सेटल रहते हैं. हाँ आईब्रोज वहीं के वहीं हैं, नीचे नहीं फॉल हुए, यू कैन सी, ठीक है. तो ये भी अच्छा लगा मुझे. टेंटेड है तो अगर आपके बहुत फुलर लुक है ना, फुलर आईब्रोज हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा ऐसे बुशी ब्राउज करने का आपका दिल करता है, या फिर यू नो एवरीडे पे भी आप इसको यूज कर सकते हो. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. लाइट सा यू नो ऐशी आपके आईब्रोज को नहीं बना देगा, दिस हैज ब्राउन टेंट तो वो नेचुरल दिखता है. बात करूँ इस सुपर शॉक आई शेडो के बारे में, यू कैन क्लियरली सी दिस इज ब्यूटिफुल शिफ्ट एंड आई लव दिस आई शेडो. आई लव दिस. बट प्राइस पॉइंट आई नो बहुत लोगों को लगेगा 750 रुपीज प्राइस पॉइंट इसका थोड़ा सा ज्यादा है. बट या कलर पॉप एल्फ लाइक सेम ही पिच पे हैं अगर प्राइस पॉइंट की बात की जाए. नॉट सुपर अफोर्डेबल, अगेन दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव जो आप यू नो दिस इज लाइक अ इन बिटवीन काइंड ऑफ प्राइस पॉइंट. ओके आई लाइक दिस लिप लाइनर बिकॉज यू कैन सी मैंने सिर्फ लिप लाइनर के साथ ही अपने लिप्स को फिल किया था. एंड दिस इज ब्यूटिफुल लिप लाइनर जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफर नहीं हो रहा है. सी एंड ऑल्सो लाइक दिस शेड इज शॉर्ट क्लॉक. शॉर्ट क्लॉक इज दिस शेड, यू कैन सी. ये लुक अच्छा लगा है, अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना. अगर आपको कोई और क्वेश्चन सजेशन कोई क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट डाउन करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. आई विल मीट यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर.